एक नवयुवक की मृत्यु हो गई थी, उसका गार्जियन लोग रोड पर लाकर डेड बॉडी रख दिए थे, मुआवजा का डिमांड कर रहे थे। स्थानीय वार्ड पार्षद महोदय आए थे और उन लोगों को समझा बुझा किया गया और सबको पुलिस अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक अंगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करने गई एसमैक के खिलाफ, जिसमें से बस्ती से निकल कर भाग रहे एक व्यक्ति ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिसको लेकर मोहल्ले में काफ़ी आक्रोश हो गया और रोड सड़क को जाम करने पहुंच गया और घंटों भर सड़क को जाम किया। इसी भी दौरान सदर थाने की पुलिस भी पहुंची और नगर डीएसपी खुद पहुंचकर मॉनिटरिंग की और कई सारी लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग कर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, ईंट और रोलर बरसा दिया। पूरे मामले को लेकर टाउन डीएसपी राघव बिहार क्या कुछ कर रहा है, ये पहले सुनिए। से कट करके एक नवयुवक की मृत्यु हो गई थी, उसका गार्जियन लोग रोड पर लाकर डेड बॉडी रख दिए थे, मुआवजा का डिमांड कर रहे थे। स्थानीय वार्ड पार्षद महोदय आए थे और उन लोगों को समझा बुझा किया गया और सबको पुलिस अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा है। हाईवे चालू हो गया है। पुलिस पर आरोप है कि चाहिए का दौराने का पर। अभी तो ऐसा कुछ उनके परिजन द्वारा हम लोग को नहीं बताया गया है। कई घंटों तक सर सड़क जाम की गई, करीब आधा घंटा 45 मिनट जाम रहा है। पुलिस पर भी सर पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियाँ नहीं, अभी तो ऐसा बात नहीं है। शुरू में कुछ आक्रोशित थे तो पुलिस के विरोध में थे उन लोग, लेकिन बाद में जब वार्ड पार्षद महोदय आए हैं समझाए हैं तो उसके बाद उन लोग उनके गार्जियन लोग सब उनके बातों पर आकर पथराव किया गया। गाड़ी तो पहले आक्रोश में आए थे तो किए थे, बाद में फिर समझा बुझा दिया गया। अब वार्ड पार्षद महोदय आए थे समझाए दिया। तो आपने सुना पूरे मामले को लेकर राघव दयाल ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कई सारी बातों को कहा। उन्होंने बताया कि दरअसल आक्रोशित लोगों ने एनएच को जाम कर दिया था, जिसको लेकर आवागमन में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो घंटों बात करने के बाद माने नहीं, तो सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसको लेकर इस तरीके का घटना हुई है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।